हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी मम्मी हेल्प। मैं मेघा आपका अपने चैनल में दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही खुश होंगे। दोस्त, तो आज का थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या है। बच्चों में विटामिन डी की कमी होना। बच्चों में विटामिन डी की कमी क्यों होती है, इसके पीछे के क्या क्या कारण होते हैं, और बच्चों में विटामिन डी की कमी होने पर क्या क्या लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं, और विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए आप बच्चे को क्या खिलाएं, ये वीडियो दोस्तों संपूर्ण जानकारी के साथ है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बच्चों में विटामिन डी की कमी होना, देखिए जब बच्चा पैदा होता है तब आपने सुना होगा कि बच्चे को जॉइंटिस बहुत ज्यादा हो जाता है। बच्चे को जॉइंटिस क्यों होता है? क्योंकि बच्चे में विटामिन डी की कमी होती है। इसलिए बच्चे को बोला जाता है कि पैदा होते ही अगले दिन से ही आप बच्चे को सुबह की जो रोशनी होती है, धूप दिखाएं, जिससे बच्चे के शरीर में होने वाली विटामिन डी की कमी को पूरा किया जा सके। क्योंकि सूर्य की किरणों से सबसे ज्यादा विटामिन डी मिलता है, जो बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है। देखिए, विटामिन डी की कमी होने पर बच्चों के शरीर में बहुत सारे लक्षण दिखाई देते हैं। बच्चों का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होता है। बच्चे को अगर बार बार निमोनिया हो रहा है तो भी आप समझ सकते हैं कि बच्चे को विटामिन डी की कमी हुई है। बच्चे की मांसपेशियों में दर्द होता है, बच्चे के जो पैरों में कर्व बन जाता है, बच्चे की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, बच्चे का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होता है, बच्चे की हड्डियों में दर्द होता है, बच्चे का पेट अगर निकल रहा है, ये सारे रीजन दोस्तों होते हैं बच्चों के शरीर में विटामिन डी की कमी का होने पर। अब बात आती है कि विटामिन डी क्या काम करता है और बच्चे के लिए क्यों जरूरी होता है। देखिए, विटामिन डी एक ऐसा पोषक तत्व होता है जो बच्चा खाद्य पदार्थ खाता है उससे जो बच्चे को कैल्शियम मिलता है, तो कैल्शियम को अवशोषित करने के लिए बॉडी में विटामिन डी बहुत जरूरी होता है। विटामिन डी और कैल्शियम दोनों मिलकर ही बच्चे की हड्डियों का विकास करते हैं, बच्चे के जो मांसपेशियां हैं उनको मजबूत बनाते हैं, बच्चे के शारीरिक विकास करते हैं। अगर बच्चे के शरीर में विटामिन डी की कमी होगी तो बच्चे को बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो बच्चे के शरीर में अगर विटामिन डी की कमी है तो इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा। अब क्वेश्चन आता है कि हम कैसे जान सकते हैं कि बच्चे के शरीर में विटामिन डी की कमी है। देखिए दोस्तों, बहुत सारी चीजें होती हैं कि माता पिता बच्चे को देखकर ही समझ जाते हैं। अगर आपका बच्चा बहुत ज्यादा सुस्त हो रहा है, बच्चा अच्छे से नहीं खा रहा है, चिड़चिड़ा है, पैरों में दर्द है, आप देख रहे बच्चे का विकास अच्छे से नहीं हो रहा है, देखिए शुरू के 6 महीने तो बच्चे के लिए विटामिन डी बहुत जरूरी होता है। डॉक्टर्स बच्चे को हमेशा, आपने देखा होगा, इतनी बॉटल देते हैं विटामिन डी की, जो 5-5 ड्रॉप 10-10 ड्रॉप बच्चे को दी जाती हैं, वो भी बच्चे को आप डॉक्टर से कंसल्ट करके लिखवा सकते हैं। बच्चे को विटामिन डी की कमी बिल्कुल भी ना होने दें, ये आपके बच्चे के विकास में बाधा उत्पन्न कर सकता है, आपके बच्चे के विकास को रोक सकता है। तो आपको बच्चे के विटामिन डी के बारे में भी खास ख्याल रखना होगा। देखिए, 6 महीने तक का बच्चा तो माँ के दूध पर निर्भर रहता है, तो माँ के दूध से और सुबह की जो रोशनी होती है उससे आप बच्चे को विटामिन डी दे सकते हैं। लेकिन तब भी अगर बच्चे का जो आपको दिख रहा है वेट अच्छे से गेन नहीं हो रहा है, बच्चे का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो रहा है, तो आप डॉक्टर से विटामिन डी लिखवा सकते हैं। डॉक्टर बच्चे के लिए विटामिन डी का ड्रॉप्स लिख सकते हैं। अब बात आती है कि कौन से खाद्य पदार्थ ऐसे हैं या क्या कर सकते हैं जिससे कि बच्चे के शरीर में विटामिन डी की पूर्ति की जाए। देखिए, वैसे तो बहुत अधिक चीजों में विटामिन डी नहीं पाया जाता है, ज्यादा से ज्यादा चीजों में जिनमें पाया जाता है मैं उनको बता देती हूँ। मछली में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, दही में, चीज में पाया जाता है, मशरूम में पाया जाता है। आप बच्चे को संतरे का जूस दे सकते हैं। ये वो चीजें हैं जो अगर आप अपने बच्चे को दे सकते हैं 6 महीने का पूरा होने के बाद, तो बच्चे के शरीर में होने वाली विटामिन डी की कमी को पूरा किया जा सकता है। सुबह की जो धूप होती है वो अपने बच्चे को जरूर दिखाएं। तेज धूप में आपको बच्चे को नहीं दिखानी है, उससे आपके बच्चे की स्किन पर रैशेज हो सकते हैं, बच्चे को चक्कर आ सकते हैं, तो उस धूप को आपको नहीं दिखाना है। उगते सूरज की जो रोशनी होती है, सुबह 10 बजे से पहले की जो रोशनी होती है, आप उसमें बच्चे को थोड़ी देर जरूर लिटाइए। छोटा बच्चा है तो नहाने से पहले मालिश आप धूप में लिटाकर कर सकते हैं, और उसके बाद आप बच्चे को नहला सकते हैं। वो जो धूप होती है ना दोस्तों, वो पर्याप्त होती है आपके बच्चे के शरीर में विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए।
आप सप्लीमेंट्स डॉक्टर से लिखवा सकते हैं, डॉक्टर्स बच्चे की एज के अकॉर्डिंग ही सप्लीमेंट्स लिखते हैं। तो अगर आप सुबह सुबह बच्चे को नहीं धूप दिखा सकते हैं, या बच्चा अभी बड़ा है स्कूल चला जाता है, उठते आप बच्चे को धूप में नहीं बिठा सकते हैं, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके थोड़े से दवाइयाँ या ड्रॉप्स लिखवा सकते हैं, जिससे कि आपके बच्चे के डेवलपमेंट को कोई भी समस्या ना हो और बच्चे का डेवलपमेंट काफ़ी अच्छे से होता रहे। तो इस तरीके से आप बच्चे के शरीर में विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। विटामिन डी की कमी होने पर आपके बच्चे की हाइट और हेल्थ दोनों ही इफेक्ट होती हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी मम्मी हेल्प। थैंक यू, नमस्कार।